फ्लो चार्ट ऑफ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमैट्री द फ्लो चार्ट मीन द समरी ऑफ द चैप्टर इस चैप्टर में क्या क्या है ट्रिग्नोमैट्री ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज द रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज दीज आर द रिलेशन टू टाइप्स ऑफ रिलेशन रेसिप्रोकल एंड क्वेश्चन रिलेशन एंड देन अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ये रही आइडेंटिटीज आपकी अभी एक एक करके समझाएंगे उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स these are the trigonometric ratios for complementary angles and the values of t ratios of standard angles standard angles 0 degree 30 degree 45 degree 60 and 90 first part is trigonometric ratios let abc be a right angle triangle right angle right angle at the b let the c angle cab equal to theta then the ratios

एसी बाई ए बी हाइपोटेनस बाई बेस एंड कॉटिटा एबी बाई बीसी बेस बाई परपेंडिकुलर इन्हीं रेशियोज को हम लोग एक सिंपल फॉर्मूले से याद करते हैं सो का टूआ सुन्स सो मीन्स साइन एस फॉर साइन ओ फॉर अपोजिट एच फॉर हाइपोटेनस सी फॉर कॉस ए फॉर एडजेंट एच फॉर हाइपोटेनस टी टेन अपोजिट एडजेंट देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो एंगल है थीटा इसके साथ वाली साइड को हम कहते हैं और अपोजिट यानी सामने वाली साइड को अपोजिट और हाइपोटेनस क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड और द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस साइड एडजेंट अपोजिट नाउ साइन थीटा यानी साइन सो एस ओ एच साइन मीन अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, जो एडजस्टेंट साइड है एंगल के साइड की उसको हम लोग एडजस्टेंट कहते हैं एडजस्टेंट बाई हाइपोटेनस एंड दीटा अपोजिट बाई एडजस्टेंट यानी परपेंडिकुलर बाई बेस ओके तो यही रेशियोज आपका रिलेशन है रिलेशन बिटवीन द टी रेशियोज यहां पर देखिये रेसिप्रोकल रिलेशल में क्या है साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेवल टू बन बाई थीटा इक्वल टू बन बाई साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और प्रोडक्ट ऑफ दिसंथीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू वन सेम कॉस्थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक्टा सेक्टिटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस्टिटा नाउ

एंड सी एस और टेन एंड कॉट तो रेसिप्रोकल भी है कॉम्पलीमेंट्री भी है बहुत सारा आपस में रिलेशन है और जो क्वेश्चन रिलेशन है टेंटिटाइक्ल टू तो साइंटिटा बाई कॉस्टिटा एंड कॉटिटाइकल टू तो कॉस्टिटा बाई साइंटीटा ये सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला आइडेंटिटीज को सोल्व करने में टेंटिटाइक्ल टू साइंटीटा एंड कॉटिटाइकअल टू कॉस्टिटा बाई सा नेक्स्ट पार्ट आता है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये तीन आइडेंटिटीज हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन फॉर थीटा इज फ्रॉम जीरो टू नाइनटी डिग्री टू सेक्वायर थीटावल टू स्क्वायर थीटा फॉर जीरो टू फ्रॉम मोर देन जीरो बट लेस इक्वल टू नाइनटी ये तीन आइडेंटिटी है आपको ये बहुत अच्छे से याद करनी पड़ती है क्योंकि इसी इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आइडेंटिटीज का प्रूफ करते हैं द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स द कॉम्प्लीमेंट्री द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू नाइंटी डिग्री नाउ द साइन नाइंटी माइनस चीटा इक्वल टू कॉसा एंड कॉस नाइंटी माइनस चीटा इक्वल टू साइन थीटा सेम सैक

यह आपको याद करने पड़ते हैं और इसका प्रूफ भी होता है ज्योमेट्रिकली हम लोग प्रूफ भी करते हैं तभी देखिए मैं आपको टेबल लिखना मैंने एक वीडियो में सिखाया हुआ है कि टेबल को हम लोग कैसे लिखें और याद करें यहां देखिए एंगल्स है स्टैंडर्ड जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री एंड नाइन्टी डिग्री एंड रेशियो तो साइन कॉस टेन कॉट सेक सेक ओके नाव साइन थीटा थीटा एंगल है नाव साइन जीरो डिग्री साइन जीरो डिग्री इक्वल टू जीरो साइन थर्टी डिग्री इक्वल टू वन बाई टू साइन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू वन बाई रूट टू साइन सिक्सटी डिग्री रूट थ्री बाय टू एंड साइन नाइन्टी डिग्री इक्वल टू वन ओके डिफरेंट वैल्यूज लगाते जाएंगे और ये आंसर आएगा सेम थीटा वन डिग्री देखिए साइन एंड कॉस्ट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो जो जीरो डिग्री की वैल्यू होगी साइन में वो कॉस्ट में नाइन्टी की होगी जो साइन थर्टी डिग्री है वो कॉस सिक्सटी कॉस सिक्सटी डिग्री आएगा साइन थर्टी कॉस सिक्सटी देखिए बोथ आर सेम एंड साइन सिक्सटी डिग्री कॉस थर्टी थर्टी प्लस सिक्सटी नाइनटी होता है ये दोनों आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री जो थर्टी डिग्री की वैल्यूज होंगी वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर होंगी एंड फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव तो सेम साइन बन बाई रूट टू सेम कॉस फोर्टी फाइव बन बाई रूट टू एंड साइन 91 वन तो कॉस नाइन्टी जीरो जीरो यानी हम लोग इसको क्रॉस में इस तरीके से लिखते जाते हैं अब आएगा टेन थीटा तो टेन थीटा की वैल्यू हम लोग कहां से फाइंड करते हैं साइन बाई कॉस ओके तो साइन जीरो टेन जीरो डिग्री इक्वल टू साइन जीरो बाई कॉस जीरो जीरो बाई वन जीरो देखिए टेन थर्टी डिग्री टेन थर्टी डिग्री मतलब साइन थर्टी डिग्री डिवाइड बाई कॉस थर्टी यानी वन बाई टू बाई 2, जब करेंगे तो आएगा वन बाई रूट थ्री सेम टेन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू डिवाइडेड बाई वन बाई रूट टू वन ओके टेन सिक्स डिग्री रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू रूट थ्री एंड टेन नाइन्टी डिग्री वन बाई जीरो नॉट डिफाइंड कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक सेम कॉट थीटा कॉन थीटा कॉट थीटा भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है या तो कॉस बाई साइन करते जाए डिवाइड करें उल्टा करते जाए इसको नहीं तो टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट ये नॉट डिफाइंड यहां था यहां आ जाएगा रूट थ्री यहां है यहां आ जाएगा वन यही रहेगा वन बाई रूट थ्री और ये जीरो यानी कॉट जीरो डिग्री नॉट डिफाइंड कॉट थर्टी डिग्री रूट थ्री कॉट फोर्टी फाइव वन कॉट सिक्सटी डिग्री वन बाई रूट थ्री जीरो और कॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं रेसी से देखिए जैसे सैक थीटा है वैल्यू हम लोग कहां से पता किए है कॉस से कॉस एंड सेक आर रेसिप्रोकल तो सेक जीरो डिग्री निकालना तो वन बाई वन वन हो गया सेक थर्टी डिग्री इसको उल्टा कर दीजिए रेसिप्रोकल कर दीजिए टू बाई रूट थ्री ये हो जाएगा अब रूट टू रेसिप्रोकल कर रहे हैं वन बाई टू का रेसिप्रोकल टू वन बाई जीरो नॉट डिफाइव थीटा ये साइन का रेसिप्रोकल है है ना तो वन बाई जीरो नॉट डिफाइंड वन बाई वन बाई टू टू रूट टू एंड रूट टू बाई रूट थ्री एंड वन बाई वन वन हम लोग टेबल में सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद करके पूरी टेबल को हम लोग अपने से बना सकते हैं यही है पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट इसमें इतने ही फॉर्मूले यूज होंगे और यही सब आपको पढ़ना है ओके